चैनल दिखा रहे हैं सैयद। आई एम निकाल, सो गुड मॉर्निंग ऑल। और सैयद अभी ऊपर सोया हुआ है। सो वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। एंड अभी मैं बहुत गंदी लग रही हूँ क्योंकि मैंने ऑयलिंग की हुई है और अभी मैं हेयर वॉश भी करने हैं, तो मेरी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी आ रही थी, बट व्लॉग स्टार्ट करना ज़रूरी था तो ऐसे ही आप एक्सेप्ट कर लो। और आज अभी समर की जैसे चल रही है, मतलब अभी हम थोड़ा फ्री है क्योंकि हॉलीडेज हो वक्त हम कर ही रहे हैं और समय में पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो क्लासेस भी नहीं लग रही और समर वेकेशन पड़ी हुई है और वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ तक तो रहेगी ना, तो तब तक के लिए हम फ्री है, अपना हॉलीडेज हम कर रहे हैं। और आज मैं व्लॉग में हमारे मामू भी हैं तो गाइस जो भी हमारे व्लॉग्स देखते हैं उनको तो इनका पता ही होगा, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हमारी फैमिली के मेरे नन्नू मामू। और क्या हाल चाल आपका? हम तो बिल्कुल ठीक है। और मेरे को वैष्णो देवी बोले व्लॉग्स याद आ गए, याद है कुछ नहीं याद आया, वैष्णो देवी बोले व्लॉग बहुत मजा आया था यार, वो हमारा बेस्ट ट्रिप था। और अगर आपने नहीं देखने वो उन्हें व्लॉग्स जल्दी जाके देखो, वो इतना मजा किया हुआ है ना उसमें, ये भी है हमने कार में कितना मजा किया हुआ है। तो मैं बड़ी गंदी लग रही, पहले मैं अपने हेयर वॉश कर रहा हूँ। तो चलो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं ऊपर से आया हूँ तो मेरे को पता चला कि नन्नू मामू आए हैं। नन्नू मामू हेलो गाइस, आज तो बड़ा मजा आने वाला है, तो अभी मैं नन्नू मामू जा रहे हैं बाजार, तो बाजार से आके आपको मिलते हैं, तो चलो चलते हैं, लेट्स गो इन द पार्टी। होली चला अगे होली रिक्शा ना ठोक दी क्या? नहीं नहीं ठंड पड़ी भी का। मैं ये वो रोज वाली शॉप पे आता जो आता हूँ मैं, तो अभी ये अंकल अंकल हेलो अंकल हेलो, तो चलो हम सामान लेके चलते हैं घर पे, मैंने सामने वाली शॉप तो सामान ले रहा है, तो चलो अभी चलते हैं घर पे, पहुँच चुके हैं घर पे, तो चलो चलते हैं ऊपर। चलो अभी तो बड़ी गर्मी बड़ी गर्मी हो रही है, पता नहीं जून जुलाई आते क्यों है। चलो और बड़ी भूख लगी है, नौ लगी है ना बहुत ज्यादा, तो चलो देख के आते मम्मा ने क्या बनाया। क्या बनाया मम्मा? पनीर बटर मसाला। ओ वाओ, नन्नू मम्मी खा लो पहले, पहले आप खा लो, नन्नू पहले आप खाओ। हां मम्मा खाओ, नन्नू मम्मी आ रही है, अब बड़े हो ना मजा आएगा। तो पनीर चिली नहीं, पनीर चिली नहीं, पनीर बटर मसाला। और आज आपको मैं दिखाती हूँ कि निखार कैसे रेडी होती है, इसके रेडी होते होते भी इसके दिमाग में यही चलता होता है। और हेयर वॉश कर ली, नहीं नहीं तो मेरी शक्ल ही बहुत बेशक्ल आ रही थी। अच्छा लग रहा था हेयर वॉश, हेयर ऑयलिंग करके तो ज्यादा अच्छी लगती है। ऑयलिंग मैं हफ्ते में एक बार ही करती हूं। नहीं है, ज्यादा अच्छी लगती है ऑयलिंग में मुझे, मैं रात को फिर मेरा दिल करता तेरे से पेट ना ऑयल लगा दूं। इतना मैं साइड नो मैं टेल इट अदर साइड आई वेंट टू यू, मेरी शॉट खड़ी हुई थी। श्योर नन्नू मामू तू भी कुछ बोल दे, वो अभी इंस्टाग्राम चला रहा है। नन्नू मामू क्या चला रहा है, काजल चला गया।
वो एयरबड्स ले उसके साथ क्लीन कर। अद्रा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से इसने सारा सामान फैलाया होता है। देखो ये इसका पूरा ज्वेलरी बॉक्स जो कि इस टाइम बिखरा हुआ है, ये देखो। और ये सब कुछ संभाल के ऊपर जाना है। ये अपनी मम्मा का मेकअप जो ये खराब कर रही है, और ये भी इसका पूरा ज्वेलरी वाला पॉलिथीन किने गया था पूरा पूरा। ये मम्मा का ये सब कुछ जो है ना, वो सब कुछ खराब कर दी। ये लोग क्या बन गई है, दिखा क्या कर लिया। ओ पागल, वो सारा खराब हो गया। इसको पकड़ के रख जरा, सारा बाहर आ गया। नहीं लेते जब गीला गीला ही होता है पूरा, मत कॉर्नर में लेके जाया कर। वो जो पैन वाला यूज करा कर, अगर कॉर्नर में लगाना होता है तो। पानी आ रहा ना इसमें ज्यादा। रेड रेड आईलाइनर, पर ये आग पे सही लगे। ये तो मेरी आग देखो, या ये ही होता है जब हम आईज ओपन कर लेते हैं, जब लाइनर लगा होता है सारा खराब हो जाता है। आईज ओपन तो बिल्कुल कॉर्नर में ले जाती है वो, तो इन्हें ना आईज में पड़ जाता है। इसको बंद कर आईज। चल अब क्लीन हो गया, और अब इसको ही सेट कर ले। अब इसको मैं कंटिन्यू आई कर लेती हूं, मैं कर देती हूं तो सारा फिर खराब करेगी। कहां पे लगा लाइनर का है? दो आईज बंद रखो, आईज नहीं खुलनी चाहिए। नन्हा में बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहा है। इतने गंदे गंदे गाने तो कभी सुने भी नहीं। नन्हा में कोई अच्छा गाना लगा दे, नन्हा में कोई अच्छा गाना लगा दो। आज इस पे नींद दिखा रही, रील भी बना देगी। अब ठीक है, हल्का हल्का से वो एयरबड से ठीक कर दूंगी। अल्लाह टाइम हो गया, 4:30 हो गए। मुझे भी फोन चाहिए। फाइनली मैं लाइनर लग गया। और ये भी एक टैलेंट होता है गर्ल्स को, मतलब पता ही होगा ये टैलेंट होता है अपनी आईज पे लाइनर लगाना 2 घंटे बाद। और कई गर्ल्स तो बहुत परफेक्ट होती है, और कई मेरे जैसी होती है जो आधा घंटा शीशे में देख 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 के आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया इस लाइनर के पीछे। बट कई लड़के बहुत अच्छी लाइनर लगाती है, जैसे कि मेरी अम्मा। इतना परफेक्ट है ना वो, मतलब 1 मिनट में लाइनर बस। और वो आईज खोलते ना तो खराब भी नहीं होता। मैं आईज खोलती हूँ सारा मेरे ऊपर लग जाएगा। और मैं इसके बाद से मैं काजल नहीं लगाती। मैं कई बार लगाती हूँ, पर जब लगाती हूँ ना, जब नीचे आती हूँ वीडियोस बना कर कंचना बनी हो तो यहाँ तक काजल ही काजल होता है। और बस ये भी ना खराब हो जो लगाया। और बाकी मैं कॉमे कर लेती हूँ और अपने एक्सेसरी डाल लेती हूँ, और बस आई एम रेडी। और मेरे तो रेडी होने के बाद, फुल रेडी होने के बाद। सो गाइस, मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, एंड अब मिलते हैं रील्स बनाने के बाद। और ये मेरी आपको ट्रेडिशनल लुक थी, सो हियर इट इज। एंड चलो मिलते हैं रील्स बनाने के बाद, और बहुत सारी बातें करते हैं। मम्मा लगाने लगी है ऑयल, बड़ा मजा आता है। मम्मा बड़ा मजा आता, मतलब ये छोटा बेबी है मेरा। अभी मैं नहा के आया हूँ, तो फिर अभी मैं कपड़े पहन के मिलता हूँ आपको। चलो, मैं इसको ऑयल नहीं लगाऊंगी ना तो ये ऑयल नहीं लगाएगा। अगर मैं इसको ऑयल लगाऊंगी तो ये ऑयल लगाएगा। ये अभी ना छोटा बेबी है हमारा। मेरे को बाल शाइनिंग शाइनिंग अच्छे अच्छे लगते। तो चलो मिलते हैं कपड़े पहन के। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या है, क्या हुआ, क्या हुआ है? पता नहीं क्या लड़ गया। क्या कोई निशान भी नहीं है, पर क्या है, दिखा हैंड, दिखा हैंड, दिखा कुछ चुभ गया कि कुछ लग रहा है? पता नहीं क्या था। चले नीचे, चले नीचे। पता नहीं क्या था। दिखा 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 दो, दिखा। ओ आई दर्द हो रही है मेरे।
चल फिर नीचे। और निखार करने गई थी अपना ऊपर शूट, अपनी पिक्स क्लिक करने गई थी, और निखार को और ही पंगा हो गया। अब तो फिर भी थोड़ा आराम मिल रहा है। ठीक है। हाँ मम्मा मम्मा ने कहा था की ये की इसके ऊपर रगड़ और इसके ऊपर रगड़ी तो थोड़ा आराम मिले, नहीं तो कोई बात नहीं। प्रेम गर्ल हो रही थी। और ना पता क्या हुआ, मैं ऊपर मम्मा के साथ फोटोज खिंचवाने गई थी ना अपनी, तो मैंने मेरे को लगा मेरे मेरे बाल पे कुछ है मेरे बालों में, और मैंने वहाँ पे हाथ लगाया वो ना उड़ गया, जो इंसेक्ट था वो उड़ गया। वास्ता पक्का दिल वास्ता था। तो मैं इतनी मेरे थम पे गरम गरम कुछ गरम चीज ना लगी हुई मेरे थम पे वो महसूस हुई, फिर उसके बाद 2 मिनट तक तो हटी नहीं, फिर इतनी इरिटेशन हुई ना, मतलब मेरे को लगा मेरा थंब सुन्न हो गया, मेरा हिल ही नहीं रहा था मेरा थंब, और अभी थोड़ा हुआ है पर ये ऐसे नहीं लग रहा है, ऐसे करना ऐसे लग रहा है नहीं पक्का, तुझे बात बात हल्का सा ही लग रहा है। बस भी था निकाल, देखो ये देख थोड़ी स्वेलिंग भी हो गई है ना, स्वेलिंग भी उसके साथ ही होती है, स्वेलिंग भी हुई हुई है। चल मेरा ब्रेव बच्चा, कोई बात नहीं, इतनी तो होती रहती है। हाँ वेरी गुड, ब्रेव गर्ल है, ब्रेव गर्ल वो भी मेरा ब्रेव है, वो भी नहीं छोटी मोटी चीजों से नहीं वो रोता उसको ना हमेशा, वो अपने खुद ही ब्लड निकाल लेता है, खुद ही ब्लड निकाल लेगा। नहीं वो भी ब्रेव है। चल अब ठीक हुआ है, ठीक है, सारी पिक्चर्स बीच में रह गई। चल कोई बात नहीं, हाँ जो भी 2-3 खींची अच्छी आई है ना। चल वेरी गुड, कितनी स्वेटिंग हुई है, वो पकड़ वो वाटर पी। आज पता है तुझे दीदी के हाथ पे कुछ लड़ गया। हाँ वो देख उसका हैंड देख, पता कितना रोई है वो, ना पता नहीं इसके ना वो ऊपर, मुझे लगता है पागल है, उसके पेन हो रही है आगे। सही आम उसके पेन हो रही है। तू कहती भाई को फिक्र नहीं है, बाहर बड़ी गर्मी मम्मा। बात से कौन कह रहा है बाहर जाने को, क्रिकेट खेल रहे थे सारी गर्मी में, तो बेटा नहीं ना रहने दो इतनी गर्मी में, कितना पसीना आया हुआ देख। खेलोगे कूदोगे होगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। हाँ जूते खाओगे नहीं पढ़ो लिखोगे, तो सही तो पढ़ो ना, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड, जब तुम खेलोगे कूदोगे होगे नवाब नवाब, जो तुम खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, बनोगे नवाब, या तुम खेलोगे कूदोगे होगे खराब। इसको जूते पड़ेंगे, नहीं नहीं सॉरी देख के, तो अब तो मैं ऊपर जा रहा हूं, ये ज्यादा ज्यादा घर बैठ कर ना ज्यादा ही कुछ हो हुआ है इसको, क्रिकेट 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 कुछ सूझता ही नहीं है ना। मम्मा मैं जा रहा हूं कल पढ़ाने, बड़ी अच्छी आवाज। तो गाइस एक्चुअली मैं शूट करने के बाद सो गई थी, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी, तो अब फिर भी फ़र्क है, मैं सुबह तक एकदम प्रॉपर ठीक हो जाएगा, वैसे अभी भी ठीक है पर हल्का फुल्का सा अभी भी है, कोई बात नहीं तो होता ही रहेगा। तो ये देखो ये आते अपना ताज वाला तिल लगाना शुरू हो गया है। इसको जब भी बुला लो ये इसका स्माइलिंग फेस ही होगा। तो बस गाइस अगर हम इस ब्लॉग को क्योंकि अगर इस ब्लॉग को कंटिन्यू किया तो एडिटिंग नहीं होगी, ब्लॉग नहीं डलेगा टाइम टू टाइम, तो इसलिए हम यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं। तो डू लाइक शेयर कमेंट, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो हमारे ब्लॉग को लाइक करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। तो बाय गाइस, मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, बाय बाय।